हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास मैथ्स में हम फर्स्ट यूनिट चल रही थी हमारी नंबर सिस्टम, जिसमें हमने 1.4 तक कर लिया था। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 1.5, उसमें हमने आज दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है नंबर को, जो भी नंबर दिए हैं उनको नियरेस्ट 10 में। यानी कि नियरेस्ट 10 का मतलब है कि लास्ट का जो नंबर आएगा वो जीरो आना चाहिए। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि लास्ट का नंबर जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हमको उसको कन्वर्ट करके वहाँ पर जीरो लिखना है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि अगर लास्ट वाला नंबर देखना हमको, यूनिट डिजिट जो होती है वंस वाली, ये वाली लास्ट वाले नंबर देखना केवल, अगर वो नंबर 5 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 5 या उससे ज़्यादा है, 5 या उससे ज़्यादा है, तो क्या करना है उसको नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी वहाँ पर जितने भी हो रहे हैं उससे नेक्स्ट 10 में, यानी कि जैसे यहाँ पर 20 आ रहा है तो वहाँ पर 30 आ जाएगा, नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करना है। और अगर 5 से कम है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1, 2, 3, 4, ये चार नंबर है लास्ट वाला नंबर, तो हमको उस नंबर को हटा के वहाँ पर जीरो लगाना है। ठीक है, तो सिंपल रूल है, अगर 1, 2, 3, 4 ये चार नंबर है लास्ट वाले नंबर यूनिट डिजिट, तो हमको क्या करना है, उनको हटा के जीरो लगाना है, केवल उनको हटा के जीरो लगाना है, किसी नंबर को चेंज नहीं करना है। और अगर लास्ट वाला नंबर जो है वो 5 या उससे ज़्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर है, तो हमको उसको भी हटाना है, ठीक है, जीरो भी लगाना है, और उसके पहले वाले नंबर को नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ये सोल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो इधर फर्स्ट है 4, 7, 2, 8, 5, तो हमको पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला नंबर ही देखना केवल यूनिट डिजिट ये वाला। ठीक है, अगर ये 5 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये आ रहा है 5, यानी कि ये 5 या उससे ज़्यादा है, तो 5 या उससे ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को, 8 वाले नंबर को चेंज करना है। ठीक है, बाकी नंबर चेंज नहीं होंगे, ये 8 वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा 8 की जगह, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करके 0 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 80 हो रहे थे तो अब 90 हो गए। देखो एक और एग्जांपल, 40392, तो यहाँ पर हमको क्या देखना, केवल लास्ट वाला नंबर ये 2, अब ये 2 है, ठीक है, यानी कि कम है, तो हमको क्या करना है, 403 इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पर जीरो लगाना है। ठीक है, यानी कि 5 या उससे कम हो तो उसको हटा के जीरो लगा दो बस, यानी इसको हटा के हमने जीरो लगा दिया, और 5 या उससे ज़्यादा है तो क्या करना है, जैसे ये देखो 716, अब यहाँ पर ये 5 या ज़्यादा है उससे, 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर जीरो लगाना है। ठीक है, यानी 20 की जगह यहाँ पर 30 हो गए। तो ये था नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना था हमको, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, 5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए नंबर तो नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करना है, और 5 से कम है, 4 या उससे कम है, तो केवल उसको हटा के जीरो लगाना है, ये करना है जैसा यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इसके लिए हमको केवल लास्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, यानी 100 में कन्वर्ट करना है। तो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने के लिए अब हमको रूल जो है वही है, अब हमको 2 डिजिट देखनी है, 1 और 10, ये वाली 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अब वो डिजिट जो है वो अगर 50 या उससे ज़्यादा है, 50 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा ही है। और अगर 50 से कम है, 49 या उससे कम है, ठीक है, तो क्या होगा, उनको हटा के हमको केवल जीरो लगाना वहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा रूल है। तो देखो इधर क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो हमको क्या करना है, पहले लास्ट की 2 डिजिट देखनी, वो कौन सी है, तो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ लिख रखी 32 है, तो ये 50 से कम है, 32 50 से कम है, तो क्या करना है, इनको हटा के जीरो लगाने, बस इन 3 और 2 दोनों को हटा दिया और हमने डबल जीरो लगा दिया, यहाँ पर 2 जीरो लगाना है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 50 से कम है ये। अब देखो इधर एक और क्वेश्चन, 8196554, तो कितना आ रहा, 54 आ रहा है यहाँ पर, 54 है यानी कि 50 से ज़्यादा है। जब 50 से ज़्यादा होगा तो क्या करना है, यहाँ तो जीरो लगेंगे लेकिन इस वाले नंबर को चेंज करना है, यहाँ 6 की जगह 7 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ 654 था तो यहाँ 700 आ गया है 600 की जगह पर। और नेक्स्ट है 87815। अब लास्ट के दो नंबर देखने हमको, लास्ट के 2 डिजिट है 42, 50 से कम है तो क्या करना है, इनको हटा के केवल जीरो लगा दो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 10 में, तो नियरेस्ट 10 में करने के लिए केवल लास्ट वाला नंबर देखना है कि वो 5 से ज़्यादा है या कम है। और जब नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है तो हमको 2 डिजिट देखनी है लास्ट की कि वो 50 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट करना है, यहाँ 600 है तो 700 आ जाएगा, और अगर कम है तो वही रहेगा, 500 की जगह 500 ही रहेगा। ओके, तो ये हमने आज दो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।